प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद के स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल ने बच्चों और अभिभावकों के हित को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान फीस को लेकर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दरअसल स्कूल के डायरेक्टर शैलेन भास्कर ने घोषणा की है कि उनकी संस्था के दो स्कूल हैं जिनमें CBI बोर्ड के स्कूल के बच्चों की फीस 33% माफ की जाएगी और हरियाणा बोर्ड से संबंधित टैगोर मॉडल स्कूल के बच्चों की 50% फीस जो है वो माफ की जाएगी। स्कूल के डायरेक्टर का मानना है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के परिवार के साथ स्कूल संस्था का संबंध परिवार जैसा होता है और लॉकडाउन के दौरान हर परिवार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। इसकी एवेज में बड़ी संख्या में अभिभावक बच्चों की फीस भरने में असमर्थ हैं और ऐसे में स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह मुसीबत के इस दौर में बच्चों और अभिभावकों के साथ परिवार जैसा संबंध निभाए, जो सुख दुख में साथ खड़े हो। इसीलिए स्कूल फीस को लेकर टैगोर मॉडल स्कूल और स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से फीस को लेकर अभिभावकों को फीस में कटौती करके ये राहत देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शैलेन भास्कर ने उम्मीद जताई है कि जिले के दूसरे स्कूल भी इस तरह से अपने स्तर पर अभिभावकों और बच्चों के लिए फीस के संबंध में राहत देने का निर्णय लेंगे, जिससे कि स्कूल प्रबंधन और बच्चों के परिवार के बीच मधुर संबंध बने रहे। देखिए, COVID-19 से जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें समाज का हर वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ और हम लोगों का जो एक स्कूल चलाने वाले सभी संचालकों का एक समाज के साथ संबंध होता है, पेरेंट्स के साथ संबंध होता है, बच्चों के साथ संबंध होता है और वो संबंध पारिवारिक जैसा होता है। तो इसमें अगर शरीर के एक अंग को तकलीफ होती है तो वो तकलीफ हमारी भी सांझी होनी चाहिए। बेशक कोर्ट्स और सरकारें बार बार ये कह रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आप 12 महीने की पूरी फीस लेंगे, लेकिन समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता को सोचते हुए हमने निर्णय लिया कि जो हमारा स्कॉलर्स कॉन्वेंट स्कूल जो CBSE से एफिलिएटेड है, जिसमें लगभग 450 से 500 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें हम मंथली फीस में जब तक लॉकडाउन चलेगा, जिस क्लास का जब तक ऑनलाइन काम चलेगा तब तक उसमें 33% की मंथली फीस में हम ट्यूशन फीस में छूट देंगे। और जो हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूल है, जिसके परिणाम सबके सामने हैं, टैगोर मॉडल स्कूल जो पिछले 40 वर्ष से चल रहा है, उसमें हम जितनी क्लासेस हैं जब तक लॉकडाउन चलेगा, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, 50% का फीस का छूट का वेवर रखेंगे। और जब स्कूल ऑपरेशन में आ जाएगा, जब बच्चे क्लासरूम स्टडी करने लगेंगे, तब हम उनसे पूरी फीस चार्ज करेंगे, ये निर्णय। और फीस में कोई बढ़ोतरी हमने नहीं करी है, ये निर्णय बहुत सोच समझ के लिया है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि और स्कूलों को भी इस तरह का निर्णय समाज के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दिखाते हुए आगे आकर लेना चाहिए और कुछ आर्थिक बोझ बच्चों का घटाना चाहिए। तो जिले की बात की जाए तो कितने स्कूल हैं सर जो आपने निर्णय लिया है? क्या अन्य स्कूलों से भी आपकी इसमें बात हुई है कि इस तरह का फैसला लिया जाना चाहिए? जी, मैं स्कूलों की 11 सदस्यीय समिति का सदस्य हूँ। मैंने वहां भी कोशिश करी कि इस तरीके की सर्वसम्मति बन जाए, लेकिन वो इस मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल इसके बाद घोषित करके और इस प्रकार का निर्णय समाज के हित में लेंगे तो समाज को अच्छा लगेगा। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान फीस को लेकर मामला कोर्ट तक जा चुका है और फीस अदा करने को लेकर सरकारें और कोर्ट की तरफ से कई तरह के निर्णय जारी हुए हैं। लेकिन संकट के इस दौर में अभिभावक इस तरह परेशान हैं कि एक तरफ तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों से फीस का बोझ अभिभावकों पर डाल दिया गया है। उम्मीद है कि स्कॉलर कॉन्वेंट स्कूल जैसे स्कूल प्रबंधन के फैसले लेकर सभी स्कूल अभिभावकों की परेशानी कम करेंगे। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।